థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ. 105 డేస్ 15 దిన హటావు మత్. హా 105 దిన కి ఏ జర్నీ బహుత్ బహుత్ జ్యాదా డిఫికల్ట్ రహీ హై. బహుత్ ఉతార చడావ్ బహుత్ సారే ఆయే అండ్ ఫర్ మీ స్పెషలీ బికాజ్ క్యూకి మేనే సిమర్ ప్లే కియా హై తో మే జో భీ కర్తీ థీ ముజే హర్ చీజ్ పే అక్యూజ్ కియా జాతా థా కి మే యాక్టింగ్ కర్ రహీ హూ, మే ఫేక్ హూ, మే యే మేరీ స్ట్రాటజీ హై. తో ఇట్ వాజ్ యెస్ ఇట్ వాజ్ రియలీ వెరీ డిఫికల్ట్. I think experience ठीक था. बस ये कहना चाहूँगी कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे आपको दिल से जीने की भी ज़रूरत है. हर वक्त आप सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करो ये अच्छी बात नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा सबसे बड़ा चैलेंज इस शो में ये था कि मैं जैसी हूँ अपनी ऑनेस्टी मैं बरकरार रखूँ, और वो मैंने किया. जो करना कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो मैंने किया एंड लोगों ने उस बात को समझा. इस बात की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है. एंड जहाँ सलमान सर की बात आती है तो जहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं उन्होंने मुझे बताया भी है, मुझे गाइड भी किया है, मुझे डांटा भी है. एंड हाँ जहाँ लोग मुझ पर बेवजह उंगली उठा रहे थे तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, एंड वो सपोर्ट बहुत बहुत हिम्मत देती है उस घर में बहुत ज़्यादा. आई थिंक ये जो ट्रॉफी है ये उनके लिए है और उनका जो सपोर्ट है वो मेरी ट्रॉफी है. बिकॉज मैं घर के अंदर एक बैटल लड़ रही थी और वो घर के बाहर एक बैटल लड़ रहे थे जो अपने आप में बहुत बड़ी बैटल थी. सो उस चीज़ के लिए मैं कभी ये बात डिनाई नहीं कर पाऊँगी कि ये जीत शोएब और सबा के सपोर्ट के बिना पॉसिबल होती ही नहीं. फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि कुछ बहुत अच्छा बहुत जल्द होगा. सबसे पहले अपने फैंस को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी. गाइज आप सब ने जिस तरह का सपोर्ट और जिस तरह का यकीन मुझ में दिखाया है थ्रू आउट द जर्नी, और जिस तरह आप लोग शोएब और सबा के साथ एकदम डटे रहे हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए दिल से थैंक यू. दिप स्टार्स यू गाइज, आई नो आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम सब आपको बहुत ज़्यादा दिल से अप्रिशिएट करते हैं फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू गिवन मी. आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. मेरा आप लोगों ने मुझे जिता के मुझे बहुत अच्छा न्यू ईयर गिफ्ट दिया है. थैंक यू सो मच. मैं यही दुआ करूंगी आप सबको ढेर सारी खुशियां मिले, और जैसा कि शोएब हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं, तो थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आपको और ज़्यादा अच्छे से एंटरटेन करते रहें. लव यू ऑल.